वेलकम बैक ऑल द क्लास 12th स्टूडेंट्स. दिस इज अगेन अ CBSE क्लास 12th क्लास फ्रॉम द बुक फ्लैमिंगो. विल बी टेकिंग द फर्स्ट चैप्टर, द लास्ट लेसन. इन द लास्ट वीडियो वी हैव सीन द फर्स्ट पोएम, माय मदर एट 66. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द अप्लॉज. थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग. आई विल कीप ऑन वर्किंग फॉर ऑल योर अप्रिसिएशंस. कीप सपोर्टिंग. इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू ब्रिंग यू दिस लेक्चर. I hope you would understand the lecture properly and you would like it. So today we'll be seeing the Flamingo chapter 1, the last lesson, and it's written by Alphonse Daudet. And before starting the chapter, of course, we'll see the introduction of the chapter. The last lesson is written by Alphonse Daudet. See, before going into the chapter, let me just introduce what the chapter is. There was a war between France and Prussia. Where France was defeated by Prussia. एक फ्रांसो प्रशियन वॉर हुआ था 1870 से 1871 के बीच में, जहाँ पर फ्रांस जो है हार गया था प्रशिया से. और ये जो पूरा आर्मी था उसको लेड किसने किया था? ओटो वैन बिस्मार्क ने. तो यहाँ पर जो ये स्टोरी है, ये फ्रांस के दो टेरिटरीज की स्टोरी है. नेम था एल्सिस एंड लॉरेन. फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट के नाम है ये एल्सिस एंड लॉरेन, जो कि अब प्रशियन हैंड्स में चले गए हैं. पहले ये फ्रांस, क्योंकि अब फ्रांस हार चुका है तो अब ये प्रशिया के हाथ में चले गए हैं. तो नए ऑर्डर्स क्या हैं कि अब यहाँ पे फ्रांस में पढ़ाई नहीं होगी और नाउ द स्टूडेंट्स विल बी टॉट इन जर्मनी. ये जो पूरी स्टोरी है, इसे नैरेट किया है एक बच्चे फ्रैंक ने. फ्रांस इज़ द नैरेटर ऑफ द स्टोरी. और ये फ्रांस का लास्ट लेसन है. कैसे है, क्यों है, विल सी. नाउ लेट्स सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. द लास्ट रिटन बाय अल्फोंसे डॉरे नैरेट्स अबाउट द 1870, द ईयर 1870, व्हेन प्रशियन फोर्सेस अंडर बिस्मार्क अटैक्ड एंड कैप्चर्ड फ्रांस. जब प्रशियन फोर्सेस ने अटैक कर दिया था और कैप्चर कर लिया फ्रांस को, और ये किसके अंडर में हुआ था? ओटो वैन बिस्मार्क के अंडर में. जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट थे एल्सिस एंड लॉरेन वेंट इनटू प्रशियन हैंड्स. द न्यू प्रशियन रूलर्स डिसकंटिन्यूड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल ऑफ दीज टू डिस्ट्रिक्ट. तो नए ऑर्डर्स आ गए कि अब यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा फ्रेंच पढ़ाना और अब यहाँ पे जर्मन में पढ़ाई होगी. द फ्रेंच टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव. और जो टीचर्स फ्रेंच पढ़ाते थे उनको जाने को कहा गया. और ऐसे ही एक टीचर हैं, द कैरेक्टर इन द स्टोरी मिस्टर एम हैमल. अब ये नहीं रह सकते थे इस स्कूल में, जो कि ये हमारे नैरेटर फ्रांस के टीचर हैं. एम हैमल कुड नो लॉन्गर स्टे इन द स्कूल. स्टिल ही गेव हिज लेसन, लास्ट लेसन टू हिज स्टूडेंट्स विद अटमोस्ट डिवोशन. अपने पूरे डिवोशन और डेडिकेशन और सिंसियरिटी के साथ उन्होंने अपना लास्ट लेसन पढ़ाया था. वन सच स्टूडेंट ऑफ एम हैमल फ्रांस हु ड्रेडेड फ्रेंच क्लास एंड एम हैमल्स आयरन रॉड केम टू द स्कूल दैट डे थिंकिंग दैट ही वुड बी पनिश्ड बिकॉज ही हैड नॉट लर्न्ड हिज लेसन्स ऑन पार्टिसिपेंट. तो ये एम हैमल की क्लास में एक स्टूडेंट थे हमारे नैरेटर फ्रांस, जो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे. हु ड्रेडेड फ्रेंच क्लास, जो फ्रेंच क्लासेस से बहुत डरते थे. कुछ लोग होते हैं जो ग्रामर और इंग्लिश क्लासेस से बहुत डरते हैं. तो वन सच बॉय वॉज आर नैरेटर फ्रांस. और वो मिस्टर एम हैमल के जो आयरन रॉड था जिससे वो पनिश करते थे, उससे भी बहुत डरते थे. और इस दिन वो स्कूल आया था डरते डरते कि उसको पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि होमवर्क दिया गया था पार्टिसिपल्स लर्न करने को. और पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल ing फॉर्म द वर्ब एंड ed फॉर्म द वर्ब. गो थ्रू इट वेन इन क्लास 12th. But on reaching the school, he found Hamel dressed in his fine Sunday clothes. बहुत proper party wear clothes में वो अच्छे clothes, well dressed थे. And the old people of the village sitting quietly on the back benches. Now he is more confused. अरे ये बूढ़े लोग क्यों बैठे हैं पीछे benches पे? It was due to an order from Berlin. अब थोड़ी देर बाद पता चलता है, reveal होता है कि ये क्यों था. क्योंकि Berlin से new orders आए हैं. That was the first day when he realized that how important French was for him. But it was his last lesson in French. उस दिन जब वो आखिरी लेसन था, तब फ्रांस को, हमारे नैरेटर को रियलाइज़ हुआ
कि फ्रेंच बहुत इम्पॉर्टेंट था, पर तब तक बहुत लेट हो चुकी थी, ये लास्ट लेसन था फ्रेंच में. द स्टोरी डिपिक्ट्स द पैथोस, पैथोस मीन्स पैथी, फीलिंग्स. Depicts the feeling of the whole situation about how people feel when they don't learn their own language. ये whole story क्या describe करता है, कैसे हमारे narrator को एक loser जैसी feeling आ रही थी. क्यों loser जैसी feeling आ रही थी? क्योंकि जो हमारे narrator हैं उन्होंने अपनी ही language French नहीं पढ़ी थी, तो अब उनको बुरा लग रहा है जब उनको सामने पता चला कि ये उनका last lesson है. It tells about how the significance of one's language in one's life for the very existence of a race and how important is it to safeguard it. तो बहुत ज़रूरी है इसको बचाना, पर कई बारी ये नहीं हो पाता है, और यही ये चैप्टर डिपिक्ट करता है. सो द स्टोरी वी हैव सीन इन द इंट्रोडक्शन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट एंड द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज एल्सेस एंड लॉरेन. ALSACE and Lorraine is LORRAINE. These are the two district and the orders are, what are the orders? जो order है वो क्या है? Order ये है कि अब इन दोनों district Alsace and Lorraine में French में पढ़ाई नहीं होगी. Order आया कहाँ से? Berlin से. किसने दिया है? Prussian powers ने. क्यों? क्योंकि उन्होंने France को हरा दिया है. अब कैरेक्टर हैं दो स्टोरी में हमारे नैरेटर फ्रांस और एम हैमिल जो कि टीचर हैं, जो कि अपना लास्ट लेसन फ्रेंच में देंगे. नाउ लेट्स सी अबाउट द ऑथर अल्फोंसे डॉरे. ही वाज बोर्न इन 1840 इन फ्रांस एंड डाइड इन 1897. ये फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, फ्रेंच में नॉवल लिखते थे और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते थे. पहले ये स्कूल टीचर थे. He quit it to make a living as a journalist in Paris. और फिर उसको छोड़कर स्कूल टीचिंग एक जर्नलिस्ट बन गए पैरिस में. He took to writing his poem and collected into a volume called Les Amoureuses. So he took and written and compiled all the poems of his into a volume. Now the theme of the chapter. Why is this chapter taught to you? आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? The last lesson revolves around the language and its importance to the citizen. Importance क्या होती है किसी की खुद की लैंग्वेज की? जब खुद का existence और identity ख़त्म हो जाता है तो कैसा लगता है? It is the duty of every citizen to safeguard the language of the country as it is the identity of that country. The lesson depicts how defeating France in the war, the Prussian wanted to rule over. ठीक है, रूल ओवर तक ठीक है, बट नॉट ओनली द टू द टेरिटरी ऑफ फ्रांस बट ऑल्सो टू द माइंड्स ऑफ द पीपल. ऑल्सो दे वर प्लेइंग विद द हार्ट्स ऑफ द पीपल बाई टेकिंग अवे देयर ओरिजिनल लैंग्वेज, देयर ओरिजिनल आइडेंटिटी. द स्टोरी री इन्फोर्सेज द फैक्ट दैट वी वैल्यू समथिंग मोर वेन इट इज़ लॉस्ट. ऑल्सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये जो हमारे नैरेटर फ्रांस हैं उनको तब तक इम्पॉर्टेंस नहीं समझ में आती है जब तक उनको ये नहीं पता चलता है कि ये उनका लास्ट लेसन था फ्रेंच में. तब उनको रियलाइज़ होता है दैट ही नोज़ नथिंग अबाउट इट. सो वी स्टार्ट रियलाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ थिंग्स आइदर वंस वी लूज इट और वी आर अबाउट टू लूज इट. द पेन एंड एंग्विश ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द टीचर इज एविडेंट एज एवरी वन रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर टेकन फॉर ग्रांटेड. मैनी इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन आर लाइफ आर प्रेजेंट अराउंड अस बट वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. We don't give it importance. हम उसको बिल्कुल importance नहीं देते हैं. The lesson emphasizes the importance of mother tongue for everyone and the need to realize the fact that it's our language that gives us identity, respect and freedom. तो एक तरह से language छिन जाना मतलब slavery था. तो यहाँ पर जो language है वो क्या signify कर रहा है? वो कह रहा है कि ऐसी language हमें हमारी identity, respect और freedom दे. So we have seen the introduction of the chapter about the order and the theme. See, I'm reading every line so that it might be clear for you. It's your class 12th, so you have to be serious about these things. There are many important points of the chapter. These points, of course, we will see, but we'll see after reading the chapter. Now let's get into the chapter without any delay. Let's start. We have seen about the author, and this is your NCERT book. You can download the NCERT app for the books. Now let's start the chapter. I refers to the narrator, Franz, who will narrate this whole story. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because
M. Hamel has said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. See the first line. I is who? France. FRANZ. फ्रांस है जो अपने स्कूल के लिए बहुत लेट से शुरू करते हैं. उस मॉर्निंग वो बहुत लेट हो चुके होते हैं, शायद लेट सो के उठे थे, और वो बहुत डरे हुए थे. वॉज इन ग्रेट ड्रेड, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे ऑफ अ स्कोल्डिंग. डर किस बात का था? कि वो डांट खाएंगे. स्पेशली किस वजह से? बिकॉज एम हेमल हैज सेड ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, क्योंकि उनके जो टीचर एम हेमल हैं उन्होंने कहा है कि वो उनसे सवाल पूछेंगे. किस पे? पार्टिसिपल्स पे पूछेंगे, एक टॉपिक ऑफ ग्रामर पे क्वेश्चन पूछेंगे. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और ये उसके बारे में एक शब्द नहीं जानते थे, पहला शब्द भी नहीं जानते थे. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. एक मिनट के लिए तो मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊँ और जो दिन है अपना वो कहाँ बिताऊँ? बाहर. स्कूल जाने की ही ज़रूरत नहीं है. इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट. उस कोल्ड कंट्रीज में वो वेदर बहुत प्लेजेंट था, बहुत वार्म था, ब्राइट था डे. द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ वुड्स, और जो जंगल था, वुड्स था, उसके किनारे पे जो बर्ड्स थे वो चहचहा रहे थे, चर्पिंग कर रहे थे. एंड इन द ओपन फील्ड्स बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. सॉ मिल वो जहाँ पे वुड रख के काटते हैं, आरा मशीन यू माइट हैव हर्ड. तो वहाँ पे जहाँ पे प्रशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे ओपन फील्ड के पीछे, वो भी सुनाई दे रहा था. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स. तो कह रहा है ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, कम से कम वो रूल ऑफ पार्टिसिपल पढ़ने से तो ज़्यादा. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, पर मेरे पास ताकत थी खुद को रोकने की, टू रेजिस्ट. एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और इन सब को, इन सब फीलिंग्स को उन्होंने रेजिस्ट किया, उन्होंने अपने अंदर रोका और वो स्कूल की तरफ भाग गए. सो दिस वॉज द फर्स्ट पैराग्राफ. व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज अ क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. और जब ये टाउन हॉल से पास किए, टाउन हॉल जो उनका हॉल था वहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड लगा था जहाँ पे न्यूज़ अपडेट्स होते थे, उसके सामने बहुत ज़्यादा भीड़ खड़ी हुई थी. फॉर द लास्ट टू ईयर्स ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम हियर, द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, वॉट मैटर नाउ, वट कैन बी द मैटर नाउ. अब ये बता रहे हैं कि जो बुलेटिन बोर्ड है वहाँ पर पिछले दो साल से सारी बुरी खबरें आ रही है, सारे बैड न्यूज़ आ रहे हैं. जो भी वॉर की न्यूज़ है, जितने भी वॉर बैटल्स ये लोग हारे हैं, जो भी नए ऑर्डर हैं, जो भी नया ड्राफ्ट है, जो भी नया ऑर्डर कमांडिंग ऑफिसर देते हैं, वो सब यही बुलेटिन बोर्ड पर लगाया जाता है. और ये तब भी रुक नहीं रहे हैं, ये क्लास की तरफ भागते जा रहे हैं. एंड विदाउट स्टॉपिंग खुद से पूछते हैं, अब क्या हो गया, वॉट कैन बी द मैटर नाउ. Then, as I hurried by as fast as I could, the blacksmith watcher, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time." और जैसे then as I hurried, जैसे मैं तेज़ी से भागते हुए जा रहा था, तो जो blacksmith था, जो लोहार था, उसने जो कि अपने अप्रेंटिस के साथ खड़ा था, अपने हेल्पर के साथ खड़ा था, जो अप्रेंटिस भी जो उनसे सीख रहा होता है, जो अपने हेल्पर के साथ खड़ा होता है, वो पीछे से चिल्ला के बोलता है, डोंट गो सो फास्ट बाप, इतनी तेज़ मत भागो, तुम्हें अपने स्कूल जाने में काफ़ी समय है. और वो कहते हैं कि ठीक है, अभी बहुत समय है स्कूल जाने में. बट ही डिड नॉट पे अटेंशन. नाउ व्हाट द नैरेटर सेज नेक्स्ट, सी. I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all out of breath. और इन्होंने, उनको सोचा, इन्होंने लगा कि ये मजाक उड़ा रहे हैं फिर से, क्योंकि ये लेट है और ये हाफते हुए M. Hamel के छोटे से गार्डन में पहुँच गए. Usually when school began there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler tapping on the table. तो usually school की condition क्या क्या होती थी? सी, पहला school जब शुरू होता था, when the school began there was a great bustle, बहुत हलचल होती थी, बहुत noisy होता था. The noise could be heard even in the street, गलियों में भी सुनाई देता था, जो desk उठा पटक, जैसे आप लोग भी when you enter in the class open your books, even that makes noise. तो ऐसे यहाँ भी
बहुत नॉइजी होता था, और जब लेसन्स रिपीट होते थे यूनिसन में एक साथ, जब छोटे बच्चे जैसे हमारे यहाँ पढ़ते हैं एक साथ यूनिसन में जब बहुत लाउडली लेसन्स लर्न करते हैं, कान पे हाथ रखें ताकि किसी और की आवाज़ ना सुनाई दे और हमें बेहतर समझ में आए। और इसके साथ साथ किस चीज़ की आवाज़ थी, टीचर्स ग्रेट रूलर टैपिंग ऑन द टेबल, जो टीचर्स का रूलर होता था जो टेबल पे रैप करता था, दैट कुड ऑल्सो बी हर्ड, ऑल दीज थिंग्स, ये सब सुनाई देता था। बट नाउ ऑल्सो स्टिल नाउ ही इज़ वेरी शॉक्ड, अरे पर अभी तक सब कुछ इतना शांत कैसे है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बींग सीन, बट ऑफकोर्स दैट डे एवरी थिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। और इनकी आदत हो गई थी, इनका कमोशन था, इनका क्या प्लान था कि ये जैसे सब कुछ नॉइजी होता था तो इसी में ये जल्दी से चले जाते थे और अपनी सीट पे बैठ जाते थे विदाउट बीइंग नोटिस, ताकि इनको कोई नोटिस ना करे। पर उस दिन तो ये सब पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि सब कुछ इतना शांत था, इतना प्रॉपर था, जैसे संडे मॉर्निंग होता है सब कुछ क्वाइट होता है वैसे था, तो इनको जाना ही पड़ता। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, और जब ये विंडो से देखते हैं तो इनके जो क्लासमेट्स थे वो अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। And M. Hamel walking up and down with his terrible eye and ruler under his arm. और जो M. Hamel थे इनके टीचर, वो आगे पीछे बढ़ रहे थे और उनका जो रूलर था इनके आर्म के अंडर था। I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. Now he's telling कुछ ऑप्शन नहीं बचा और मुझे डोर ओपन करके सबके सामने से जाना पड़ा। आप सिचुएशन इमेजिन कर सकते हैं जब सब लोग बैठे हों और वहाँ से जाना हो। The narrator is telling to you how frightened I was, but nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." पर कुछ नहीं हुआ उस दिन। M. Hamel ने बहुत kindly, बहुत आराम से, बहुत politely कहा कि अपने place पे जाओ जल्दी से, little Franz. हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। We were beginning without you. We were going to start without you. I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. और अभी ये जल्दी से जाकर अपनी सीट पे बैठते हैं, not till then, तब तक ये थोड़ा सा नोटिस भी नहीं किए थे, और जब तक ये थोड़ा सा अपने डर से बाहर निकलते, when I had got a little over my fright, अपने डर से थोड़ा बाहर निकलते, did I see, तो इन्होंने नोटिस किया कि जो इनके टीचर थे उन्होंने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहनी थी, हिज फ्रिल्ड शर्ट, जो इनकी फ्रिल्ड शर्ट थी, हिज लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सब पे एम्ब्रॉयडरी थी, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। सो एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन डेज एंड प्राइज डेज, इन दोनों दिन के अलावा, जब चेकिंग के लिए जाना होता था और प्राइज डेज, इन दोनों दिन के अलावा ये इतने वेल ड्रेस्ड होके नहीं आते थे, पर आज आए थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, और सिर्फ उनका ड्रेस नहीं, उसके साथ साथ क्या स्ट्रेंज था, पूरा स्कूल ही स्ट्रेंज लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स। Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others beside. Now he is very surprised. एक से एक सरप्राइज मिलते जा रहा है हमारे नरेटर को। अभी ये पहले डर से बाहर ही आए थे कि इन्होंने नोटिस किया अपने वेल ड्रेस्ड टीचर को, जो कि इंस्पेक्शन डे या प्राइज डेज पे ही ऐसे तैयार होते हैं, और इससे बाहर ही आते तो इनको एक और सरप्राइज मिल गया कि ये नोटिस करते हैं जो पीछे की बेंचेस खाली रहती है उस पे विलेजर्स बैठे होते हैं। ओल्ड हाउज़र जो अपनी थ्री कॉर्नर हैट पे बैठा हुए हैं, और जो पुराने मेयर थे, फॉर्मर पोस्टमास्टर, और बहुत सारे लोग। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हाउज़र हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थंब एट हिज एड्रेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद ग्रेट स्पेक्टिकल लाइंग अक्रॉस द पेजेस। और ये जो बूढ़ा हाउज़र था, अपनी ये थ्री ट्राई जो इनकी ट्राई एंगल्ड कैप थी उसके साथ बहुत सारे लोगों के साथ बैठे थे, और ये कोई प्राइमर लेके आए थे, एक पुराना कायदा लेके आए थे, ओल्ड प्राइमर, जिसके किनारे को उन्होंने थोड़ा सा टैप करके ओपन किया, और अपने घुटनों पे रखकर, बाय कीपिंग ऑन हिज नीज, ही वॉज सीइंग अक्रॉस द पेजेस।
और ये सब ये देख ही रहे थे. व्हाइल आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी ही सेड. अब एम हैमल बैठ गए अपने चेयर पे और उसी जेंटल टोन में, उसी पोलाइट टोन में, जिस टोन में उन्होंने हमारे नैरेटर से बोला था जब वो क्लास में एंटर किए, उसी पोलाइट टोन में ये बोलते हैं, माई चिल्ड्रेन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. नाउ द सीक्रेट हैज़ रिवील्ड. नाउ इट इज़ डिस्क्लोज्ड. वॉट वॉज द ट्विस्ट? नाउ द मिस्टर एम हेमल सेज वॉट, माय चिल्ड्रेन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. ये है लास्ट लेसन जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ. बहुत ही जेंटल टोन में ये बोल रहे हैं और ये बताते हैं कि बर्लिन से ऑर्डर आया हुआ है कि जो जर्मन स्कूल्स, जर्मन पढ़ाया जाएगा. कौन से स्कूल्स में? जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट है एल्सेस और लॉरेन के, उसमें क्या पढ़ाया जाएगा? जर्मन पढ़ाया जाएगा. और कल से न्यू मास्टर आ रहे हैं तो ये जो एम हेमल हैं इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा, इनका पैकअप कराया जा रहा है. और ये बच्चों से कहते हैं, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. What a thunder clap these words were to me. और ये words बहुत ज़्यादा बिजली की तरह किसको लगे? हमारे narrator फ्रांस को. Oh the wretches, that was what they had put up at the town hall. और यही news था जो town hall पे लोग पढ़ रहे थे. Oh wretches means stop. The old sad people, all the sad people. It refers to the sad people. My last French lesson, why? I hardly knew how to write. I should learn anymore. I must stop there then. And now he is very confused. Oh my God, this is my last French lesson. ये मेरा आखिरी lesson है. अभी तो मैं सही से जानता भी नहीं हूँ. मैं जानता नहीं हूँ कैसे लिखा जाता है. मुझे और सीखना है. मुझे तब वहीं रुक जाना चाहिए था. मैं क्या करूँ? Oh how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds egg, going sliding on the sar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the saints were old friends and now I couldn't give up. And now till now he is telling why I was wasting my time. I was going to see the eggs of the birds. पक्षियों के अंडे ढूंढने जाता था, सार पर फिसलता था, स्लाइड करता था. मेरी बुक्स जो अभी थोड़ी देर पहले मेरे लिए एक बोझ लगती थी, एक प्रॉब्लम लगती थी, मेरी ग्रामर और मेरी हिस्ट्री बुक, अब वो मेरे पुराने दोस्त जैसे लग रहे हैं जिन्हें मैं नहीं छोड़ सकता. जो अभी तक इनको एक बर्डन लग रही थी वो अब इनको अपने फ्रेंड जैसे, एक ओल्ड फ्रेंड जैसी लग रही हैं जिन्हें ये नहीं छोड़ना चाहते हैं. And M. Hamel too. The idea that he was going away, I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और सेम M. Hamel के लिए भी इनकी ये फीलिंग्स आ गई. जब इनको ये फीलिंग आई कि now M. Hamel is going and now he could never ever see M. Hamel again, जब वो दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे M. Hamel को, तो ये सब भूल गए कैसे वो रूलर से अपने मारा करते थे, सब कुछ. हाउ क्रैंकी ही वॉज, हाउ इरिटेटिंग ही वॉज, हाउ सनकी ही वॉज बेसिकली. सो ही इज़ गोइंग टू फॉरगेट एवरीथिंग बिकॉज दिस पुअर मैन इज़ गोइंग टू गो अवे. पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स एंड नाउ ही इज़ नाउ जजिंग हिज क्लॉथ्स ऑल्सो. ओके, सो दिस पुअर मैन हैज़ बीन पुटिंग दिस क्लॉथ बिकॉज इट वॉज हिज लास्ट लेसन. नाउ आई अंडरस्टूड Why the old men of the village were sitting there. Now he is understanding everything. क्यों village के old men बैठे हुए थे back of the room में? It was because वो अभी sorry feel कर रहे थे and they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service. और ये लोग भी thank you करने आए थे जो M. Hamel है उनकी 40 years of faithful service के लिए और उनको respect दिखाने के लिए कि उन्होंने उनकी country को इतना serve किया. While I was thinking all of this, I heard my name called. और ये यही सब सुन रहे, सोच रहे थे, इमेजिन कर रहे थे और अचानक से इनका नाम बुलाया जाता है. It was my turn to recite. इस बार इनका नंबर था पढ़ने का, सुनाने का. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud, clear and without one mistake. But I got mixed up
on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. इनका नंबर आ गया सुनाने का. अब पार्टिसिपल और पार्टिसिपल के रूल्स. इनको ज़ोर से और बिना गलती के बोलना था और ये तो हो ही चुका, ये इनसे नहीं होता बिकॉज इनको तो एक वर्ड भी नहीं आता था पार्टिसिपल का. पर इनको पहला शब्द जो है इन्होंने किसी तरह से बोलने की कोशिश की और उसमें ही सब इन्होंने क्या कर दिया, मिक्सअप कर दिया और फिर वहाँ चुपचाप ये खड़े रहे. डेस्क को पकड़े हुए थे एंड हिज हार्ट वॉज बीटिंग फास्ट एंड ही वॉज नॉट एबल इवन टू लुक अप. ऊपर देखने तक की हिम्मत नहीं थी. I heard M. Hemal say to me, I won't scold you little friends, you must feel bad enough. मैं इस बार तुम्हें डांटना नहीं चाहता, तुमको काफ़ी बुरा महसूस कर रहे होगे और होना भी चाहिए. You must feel bad. See how it is, देखो कैसा है आज ये सब कुछ. Every day we have said to ourselves, हर दिन हम रोज़ आप लोग भी यही कहते हैं. We have plenty of time, I'll learn it tomorrow. हर रोज़ हम अपने आप से कहते हैं अभी हमारे पास बहुत टाइम है, I'll learn it tomorrow, कल पढ़ लेंगे. But now you see where we have come out, अब देखो हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं. Ah, that's a great trouble with else's. और यही है great trouble else's के साथ कि अब हमारे पास कल पढ़ने का तो टाइम ही नहीं बचा है क्योंकि कल सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. Now those fellows out there will have right to say, how is it you pretend to be Frenchman? और अब वो लोग जो आएंगे वो लोग को पास तो हक है कहने का, अच्छा तो तुम्हें फ्रांसीसी कहलाने का, फ्रेंच कहलाने का, फ्रेंचमैन कहलाने का क्या हक है जब तुमको फ्रेंच ही नहीं आता है. एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज एंड यू आर अ फ्रेंचमैन एंड यू कैन नॉट राइट और रीड योर लैंग्वेज. बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स. इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं, यू आर नॉट द वर्स्ट, यू आर नॉट द वर्स्ट. सी वी ऑल हैव अ ग्रेट ड्रील टू री अप्रोच आर सेल्स विद. ये सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं है, हम सब का नाम खराब होगा, हम सब इसमें बुरे माने जाएंगे. योर पेरेंट्स, वाई सी द रीज़न, योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्शियस इनफ टू हैव यू लर्न. तुम्हारे पेरेंट्स को इंटरेस्ट नहीं था इतना कि तुम्हें पढ़ाते. दे प्रेफर टू पुट यू अ वर्क ऑन अ फार्म और द मिल्स सो दैट दे कैन हैव अ लिटिल मोर मनी. तुम्हारे पेरेंट्स क्या चाहते थे कि तुमको फार्म में भेज दिया जाए, फील्ड में भेज दिया जाए, मिल्स पे भेज दिया जाए, फार्म फील्ड या कहीं भी भेज दिया जाए टू वर्क सो दैट दे कैन हैव मोर मनी. एंड आई, और मेरी बात क्या कर रहे हो, आई शुड ऑल्सो बी ब्लेम्ड. हैव आई ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स. और कई बार मैंने भी अपने गार्डन्स में फ्लावर को वाटरिंग के लिए भेज दिया था तुमको इंस्टेड ऑफ आस्किंग यू टू लर्न योर लेसन्स, तुमको लेसन्स पढ़ाने की बजाय. एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग Did I not just give you a holiday? और जब मुझे फिशिंग करने का मन होता था तो मैं तो ऐसे ही छुट्टी डिक्लेयर कर देता था. Then from one thing to another, M. Hemal went on to talk about French language, saying that it was the most beautiful language in the world. Of course, सबको अपनी लैंग्वेज अच्छी लगती है और एक के बाद दूसरी बातें वो कहते गए और उसको रिलेट करते गए, कैसे बताते गए कि फ्रेंच लैंग्वेज कैसे मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है. तो मोस्ट लॉजिकल द क्लियरेस्ट, वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट. अपने अंदर हमें इसे बचा के रखना चाहिए और भूलना नहीं चाहिए. बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ दैट दे हैड की टू देयर प्रिजन. जब तक जैसे लोग जब एनस्लेव हो जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं, तो जब तक उन्हें अपनी मिट्टी से जुड़े रहने का, जैसे लैंग्वेज ही है, लैंग्वेज से जुड़े रहेंगे तब तक उनको इस प्रिजन, इस ताले की चाबी मिलती रहेगी. देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रेड अस आर लेसन एंड ही देन स्टार्टेड टू रीड ग्रामर लेसन. आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड. और हमारे नैरेटर हैं फ्रेंड्स, कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल अमेज हो गया था, सरप्राइज हो गया था, मुझे कैसे इतने अच्छे से समझ में आ रहा था. ऑल ही सेड सीम टू बी सो ईजी आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसेंड सो केयरफुली. और मुझे भी लगता है कि शायद मैंने कभी केयरफुली सुना ही नहीं. एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और शायद इतने पेशेंस के साथ उन्होंने कभी पढ़ाया भी नहीं. इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे. ऐसा लग रहा था कि ये जो बूढ़ा आदमी था, पुअर मैन, ये जो दुखी सा आदमी था, ये सब कुछ बता देना चाहता था जाने से पहले, जो भी इसे आता था. एंड टू पुट इट इन टू आर हेड्स एट वन स्ट्रोक.
और ये सोच रहे थे कि शायद एक बार में ही इन लोगों के दिमाग में सारे ग्रामर लेसन स्टोर कर दिए जाए. आफ्टर ग्रामर वी हैड लेसन इन राइटिंग दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस. और इसके बाद राइटिंग के लेसन थे, लिखाई जाने वाले थे, कुछ कुछ तो लिखाने वाला था और उसके लिए बहुत ब्यूटीफुल कॉपीज आई थी. मिस्टर एम हेमल लाए थे और उसमें ब्यूटीफुल कर्सिव राइटिंग में एल्सिस फ्रांस फ्रांस एल्सिस फ्रांस एल्सिस लिखा हुआ था. ये जैसे लग रहा था कोई फ्लैग्स हैं जो हर डेस्क पे स्कूल रूम में फ्लोट हो रहे हैं, जो डेस्क पे हैंग किए गए हैं. यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क हाउ क्वाइट इट वाज. और आप देखने लायक था, ये देखना चाहिए था आपको कि कैसे उस दिन सब लोग अपने अपने काम में थे और ज़रा सा भी आवाज़ नहीं आई थी. सिर्फ एक आवाज़ थी, द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर. जो पेन चल रही थी पेपर के ऊपर सिर्फ उसका साउंड आ रहा था. वंस बीटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ कीड़े बीटल्स अंदर आए उड़कर. बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, पर किसी ने इस बात पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया. नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दे वर फ्रेंच टू. और छोटे से छोटे भी मतलब कोई ध्यान ही नहीं दिया, जैसे कि जैसे लग रहा था कि वो भी फ्रेंच थे. और फिर ये नोटिस करते हैं कि छत पे थोड़ा सा कबूतर आ जाते हैं, पिजन्स आ जाते हैं, वो भी बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे. और फिर ये अपने आप से पूछते हैं, आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स. क्या ये लोग पिजन्स को भी बोलेंगे कि नहीं तुम जर्मन में गाओ. वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुकड इन दैट लिटिल स्कूल रूम. और ये मिस्टर एन एम हेमल को देखते हैं कैसे वो मोशनलेस अपने चेयर में बैठ के पहले एक चीज़ को फिर दूसरी चीज़ को देखते हैं. ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ वो फिक्स कर लेना चाहते हैं अपने आईज में. फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस. काफ़ी अच्छा है, मतलब 40 साल से वो सेम प्लेस में है. विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम. और उनकी क्लास उनके गार्डन सब कुछ यहीं था आज से 40 साल से, कोई पहले दिन की तो बात थी नहीं. जस्ट लाइक दैट ऐसे ही ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वोन आउट स्मूथ. सिर्फ बदला क्या, ये जो डेस्क और बेंच है ये क्या हो गए हैं, थोड़े से घिस गए हैं और स्मूथ हो गए हैं. ओके ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वोन स्मूथ द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर. और ये जो वॉलनट ट्रीज हैं अब वो क्या हो गए हैं, टॉलर, बड़े हो गए हैं. द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडो टू द रूफ. और जो हॉप वाइन उन्होंने खुद लगाया था वो विंडो से होते हुए रूफ तक पहुँच गए हैं. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above packing their trunks, for they must leave the country the next day. और ये imagine करें कितना बुरा लग रहा होगा इस बूढ़े आदमी को ये सब कुछ छोड़ के जाने में, कितना बुरा लगेगा. क्योंकि इनको सुनाई दे रहा था कैसे इसके ऊपर के रूम में इनकी जो सिस्टर हैं उनका ट्रंक जो है उनका जो बैग है वो पैक कर रही थी, जिसकी आवाज़ आ रही थी क्योंकि कल इनको ये कंट्री छोड़नी थी. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द लास्ट. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. उनमें इतनी हिम्मत थी कि हर लेसन वो सुने. After the writing, we had lesson in history. अब ग्रामर के बाद राइटिंग लेसन, उसके बाद हिस्ट्री में एक लेसन था. Then the babies chanted their बे बा बे बू, whatever the sound was. They started reading, they were sounding. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles, holding his primer in with both hands and spelled letters with them. और जो ओल्ड हाउजर थे उन्होंने वो अपना प्राइमर ओपन किया, बोथ हैंड्स में लिया, दोनों हाथ में पकड़ कर उनके साथ वो भी स्पेल कर रहे थे, बोल रहे थे, अक्षर बोल रहे थे. यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई. और आपको पता है वो इतना ज़्यादा था, ही वॉज लाइक क्राइंग, उनकी आवाज़ में अलग सी कपकपी थी, वो ट्रेम्बलिंग कांप रहा था, वॉज शेकिंग एंड वी वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई एट द सेम टाइम बिकॉज इट वॉज फनी, हिज वॉइस वॉज वेरी फनी बट द सिचुएशन वॉज वेरी सीरियस सो दे वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई बोथ. Ah, how well I remember it, that last lesson. And the narrator is saying, oh, I remember so well that last lesson. All at once the clock, church clock struck 12. At once the church clock struck 12. Then the angelus, और उसके बाद prayer का time हो गया.
At the same moment, trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our window. और उसी समय जो प्रशियंस थे, जो प्रशियन आर्मी जो समय स्टार्टिंग ऑफ द चार्टर में 100 मील के पास प्रैक्टिस कर रहे थे, वो लोग वापस आए और उनकी आवाज़ जो है सुनाई दे रही थी खिड़की के नीचे से, जो बज रही थी. मिस एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर एंड आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. वो एकदम सीधे खड़े हो गए एंड ही वॉज वेरी ही हिज फेस वॉज वेरी डल. पेल मीन्स डल, येलोइश, एकदम पीला पड़ गया था. और वो अपनी कुर्सी से उठ जाते हैं और वो एकदम स्ट्रेट खड़े होते हैं. एंड द नैरेटर सेज, मैंने कभी उनको इतना टॉल नहीं देखा. माई फ्रेंड सेड आई आई बट समथिंग चोक्ड, ही कुड नॉट गो ऑन. ही सेड माई फ्रेंड्स आई बट समथिंग चोक्ड, ही कुडंट गो ऑन, ही कुडंट स्पीक, वो बोल नहीं पाए. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक, बेयरिंग ऑल विद ऑल हिज माइट, विद ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत के साथ वो उठे, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, एक चॉक पीस लिए एंड ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा वो लिख सकते, फाइव ला फ्रांस. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज एंड हेड अगेंस्ट द वॉल, विदाउट अ वर्ड ही मेड हिज गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो. फेवला फ्रांस मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, ही हैज़ रिटन ऑन द बोर्ड. और फिर भी वो कुछ नहीं बोल पाए, सिर्फ हाथ से उन्होंने गेस्चर दिया कि ठीक है अब जाओ, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो. स्कूल जो है आज के लिए ख़त्म, आज ही ले गया, इट वॉज़ अ लास्ट लेसन, सो द स्कूल वॉज ओवर एज अ होल. सो ही आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू गो. नाउ सी द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव कवर्ड इन द चैप्टर. फ्रांस इज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल because he had not learned participles. He wants to enjoy the nature beauty but he resisted. Also what he has seen, the bright sunshine, the birds chirping, okay, the Prussian soldier, bulletin board was mentioned, all bad news was written there. The changes he noticed, instead of class, the noisy classroom, it was quiet as it was Sunday. The teacher's dress, the teacher also did not scold him. Villagers were sitting in the last bench and they were there to pay tribute to 40 years service of M. Hamel. Hamel making announcement that it was a large French lesson. Franz realized that he was knowing nothing. He regretted. Also, he realizes why the teacher was dressed, why everything was like that. He was very sad because his parents, Mr. M. Hamel realizes that all the three, the child, the parent and he himself is to be blamed why students have not learned their mother tongue. Also he says that mother tongue is the key of prison of slavery. The atmosphere he was teaching very sincerely, every student was listening very sincerely, everybody was writing and doing their work, okay. Also he thought when he saw the pigeons, he thought that whether they will ask the pigeons to coo in German or not. And thereafter, the last, when M. Hamel wrote, long live France. So all this, the video is getting longer, I know. Short answer questions. See, two questions I have written also with the answer. You can go through it. We have seen the chapter. The chapter was quite easy. And I hope you understood it. See, short answer question also here. You can pause the video, you can write. Justify the title, the last lesson. Title justification is also given. That's why I have written here as a question. You can just go through it. Okay, now what assignment? Make notes of what you have written. Just note down the important points of the chapter. Keep studying. All this time you can utilize for your study purpose. All the best. See, keep in mind if you are preparing one chapter, you are preparing it for board. So be serious. Thank you so much. Keep supporting, of course. Thank you. Have a nice day.